नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पर। आज 21 जुलाई, आज के इम्पोर्टेंट 15 टॉप न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक योजना को लॉन्च किया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 को योजना को वेब पोर्टल में उत्कृष्टता की पुनर्गठन प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किया। यह नमामि गंगे कार्यक्रम के जिला स्तर के अधिकारियों को प्रयासों को पहचानना चाहता है। हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक नया उपन्यास लिखा। अपराध लेखक एवं हुसैन जैदी द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लेकर आए हैं जो राजनीतिक विश्वासघात और अल्पकालिक आतंक की बात करता है। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेमा खांडू ने तंगमंस एंड एथनोविगलिस्टिकन स्टडी ऑफ द क्रिस्टली एंड डेंजरस ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। निजी ट्रेनों को मार्च 2023 तक शुरू किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि निजी ट्रेन को 2023 में चलाया जाएगा। मंत्रालय ने निजी ट्रेनों की शुरुआत के समय बारे में स्पष्ट कर जारी दिया। उन्होंने कहा मीडिया में उल्लेख किया गया था कि निजी ट्रेनों की परिचालन मार्च 2024 में शुरू होगी, लेकिन अब ये कब कर दिया, मार्च 2023। ट्विटर पर पीएम मोदी के फॉलोवर 60 मिलियन से पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर विश्व की शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं। 19 जुलाई 2020 को उन्होंने खाते में 60 मिलियन का आंकड़ा पार किया, जिसकी पुष्टि उन्होंने दुनिया भर के सबसे अधिक भारतीय नेताओं के रूप में की गई है। यूएई ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान शुरू किया। यूएई की मंगल की ऐतिहासिक यात्रा जापान के तैनागासिया अंतरिक्ष केंद्र सफलतापूर्वक शुरू की गई है। 20 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष यान होप प्रो में उड़ान भरी। NAFED ने 3000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक मंत्री राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ने 3000 मीट्रिक टन चीनी की खरीद के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों विभाग को मंजूरी दे दी गई है। 22 जुलाई 2020 इंडिया आइडियाज समिट। भारत व्यापार परिषद 20 जुलाई 2020 को 2020 इंडिया आइडियाज समिट की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में व्यापार तकनीकी नेताओं को भविष्य में अमेरिकी साझेदारी और वैश्वीकरण व्यवस्था के निवेश को आकार देने के लिए रुझानों पर चर्चा के लिए कहता है। कोरोना का नया शोध। महाराष्ट्र ने कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ नैनोफिन के शोधकर्ताओं ने महत्वपूर्ण शोध किया कि जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। वायरस सील्ड फैब्रिक स्प्रे टेक्नोलॉजी कोरोना वायरस सहित कई अन्य घातक वायरस को निष्क्रिय करने में संभव होगा। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। यह फेडरेशन इंटेक्स, जिसे फिट्स के रूप में भी जाना जाता है, स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। आंद्रे सुरुले ने सेवानिवृत्ति की घोषणा। जर्मनी के पूर्व फॉरवर्ड आंद्रे सुरुले ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। लुडविग फाफे ने एक शिव निवासी सुरुले ब्राजील 2014 में विश्व कप विजेता पक्ष के सदस्य रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया। 2020 में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता पीएम स्वनिधि योजना के मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह उद्देश्य योजना के सड़क विक्रेताओं को अनुप्रयोगों को सर्विस को प्रस्तुतिकरण में रेड को उपयुक्त अनुकूल डिजिटल प्रदान करना है। कोविड-19 कीटाणुनाशक शोधों में यूवी बैगेज का स्कैन। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर द पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स हैदराबाद और बिहिंग टेक्नोलॉजीज नोएडा में कृत स्कैन के साथ विकास किया। यह यूवी बैगेज कीटनाशक प्रणाली है। माइलन ने रेमडेसिविर पर सामान्य संस्करण लॉन्च किया। माइलन ने कोरोना वायरस रोग के इलाज के लिए भारत में ब्रांड का नाम डेसरेम के तहत अपने रेमडेसिविर बाड़ेज लॉन्च किया। बीमारी की गंभीर परिस्थितियों के साथ अस्पताल में भर्ती वयस्क और बच्चों को कोविड-19 संदिग्ध प्रयोगशाला पुष्टि की घटनाओं को उपचार के लिए दवा का मंजूरी दी गई है। 6 प्रकार का कोविड-19 पाया गया। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने पाया कि 6 अलग अलग प्रकार के कोविड-19 का प्रत्येक के लक्षण एक समूह में 6 प्रकार फ्लू जैसे बुखार के साथ नहीं फ्लू जैसा बुखार के साथ जठरांत्र गंभीर स्तर 1 थकान, गंभीर स्तर 2 गंभीर स्तर 3 पेट और श्वसन में प्रॉब्लम, ये सारे अलग अलग टाइप के कोरोना वायरस को खोजा गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।